डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर का टॉपिक लेकर के आए हाउ टू क्रिएट ए फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप पे कैसे फोल्डर क्रिएट करेंगे देखते हैं। राइट क्लिक ऑन द एनी वेयर ऑन द डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप पे जाकर के राइट क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, डेस्कटॉप पे क्लिक राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन तो सब मेनू विल बी अपीयर, यानी बहुत सारे मेनू अपीयर होंगे। क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन फ्रॉम द सब मेनू, यानी सब मेनू में से हमको फोल्डर पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट अ फोल्डर विल बी क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप पे आपको फोल्डर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। टाइप द नेम विच वी वांट, यानी कि जब फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा तो टाइप द नेम, यानी कि नेम को टाइप करेंगे जो आपको ज़रूरत है, जिस नाम से आप फोल्डर बनाना चाहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट प्रेस इंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से क्या करेंगे जी, इंटर की प्रेस कर देंगे। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। डेस्कटॉप है ये, कहीं पे आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे, न्यू पे, न्यू पे गए तो सब मेनू विल अपीयर। देखिए सब मेनू है, अब सब मेनू से हम किस पे जाएंगे जी, फोल्डर पे जाएंगे। फोल्डर पर गए, आपका फोल्डर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो टाइप द नेम विच वी वांट, यानी कि जो आपको जरूरत है, जिस नाम से आप फोल्डर बनाना चाहते हैं वहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे। सपोज मान लीजिए हमारा न्यू फोल्डर है, यहाँ पे हम नेम टाइप करेंगे, स्कूल नाम का हम फोल्डर बनाना चाहते हैं। देखिए देखिए प्रेस इंटर की, देखिए आपका फोल्डर क्रिएट हो गया स्कूल नाम का। डियर स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।